है वो नाच रहे थे, ठुमका लगा रहे थे। सुमन जी हाथरस से उनकी पार्टी के उम्मीदवार हैं, अब वो 60 साल के बाद उनका जो है मन मचल रहा है, जवानी जोश की, जवानी उनकी जोश का मड़रा रही है। अब हैदर साहब आपकी नहीं जोश मर रही तो आप उनसे जल क्यों रहे हैं भाई? हम ऐसा है कि हम जिंदगी भर जमीन की राजनीति किया है, ट्रेड यूनियन की राजनीति किया है, सेक्रीफाइस की राजनीति किया है, तो हम तो उसूल की राजनीति कर रहे हैं आज भी हैं। और आजकल होता यह है कि जो बाहर से आ रहे हैं, फिल्म इंडस्ट्री से आ गए, कुछ बाहर से लोग आ गए, तो वो लोग अभी इस सेवा वाले कल्चर से नहीं है। जो सेवा वाले कल्चर से वो सब नहीं करेंगे, बदल गया। जो बाहर के आए हैं वो ये कर लेते हैं, तो मेरे ख्याल से उसका भी कुछ असर पड़ गया है। अच्छा ठीक है, आप सब लोग रहिए हमारे साथ। दरअसल रामदुलाल सुमन साहब ये जो अपना पराक्रम दिखा रहे हैं, 62 वर्ष की उम्र में भी ये पराक्रम दिखा रहे हैं, दरअसल ऐसा नहीं है कि अश्लील डांस का नजारा सिर्फ समाजवादी पार्टी के नेता दिखाते हैं। ये फेहरिस्त बहुत लंबी सा, और इस सूची में अलग अलग पार्टी के अलग अलग नेता हैं। आपको याद होगा कि शामली में किसान महारैली के नाम से आयोजित की गई राष्ट्रीय लोक दल की रैली डांस बार बनकर रह गई थी। चौहान साहब ये खास आपके लिए विजुअल, मंच पे टूट गया था, लाठी भी चली थी, लोग घायल भी हो गए थे। जी देखिए आप, तो किसान रैली के नाम पर लाई गई इस भीड़ को रोकने के लिए बार बालाओं के ठुमके दिखाए गए। चौहान साहब कुछ कहेंगे? ये ऐसा है कि नेताओं का जब विश्वास जनता से उठ जाता है, इनको ये नहीं है कि जब तक हम डांस नहीं कराएंगे पब्लिक कैसे जुटेगी, बालाएं नहीं आएंगी, तब तक जनता आएगी नहीं, और स्वयं जो ठुमके लगाएंगे तो शायद जनता और रिझ जाए, हमको वोट दे दे। तो ये जो नैतिक पतन हुआ है। अरे सही बताइए, सुनिए चौहान साहब, शामली आप नहीं गए थे क्या? श्यामली हम गए थे, चौधरी साहब गए थे, छोटे चौधरी गए थे, लेकिन जो आप कह रहे हो वो सारा घटनाक्रम जो भी हुआ भी हो वो हम लोगों के जाने के पहले हुआ था, और उसी के बाद हमने अपनी पार्टी में परपत्र जारी कर दिया, क्योंकि पश्चिम उत्तर प्रदेश में रागनी का एक चलन है, तो हमारी पार्टी में होगा कि रागनी गवाइए। नहीं, ये रागनी नहीं है, ये सेकेंड हैंड जवानी है भाई साहब। नहीं, ये तो रागनी तब भी ठीक है, सेकंड हैंड शामली की बात कर रहे थे, वहाँ रागनी भी है, यहाँ डांस है, मुन्ना सिंह जी अश्लील डांस है, अश्लील गाना है। मुन्ना सिंह जी, विधानसभा चुनाव के दौरान पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुझे जगह स्मरण नहीं आ रही, जयंत भी थे, अजीत सिंह साहब भी थे, वहाँ सभा में नचनिया नाची, भीड़ उत्तेजित हो गई, बल्ली उखड़ गई, तंबू गिर गया, लाठी चली, 8 लोग घायल हो गए थे। ये आप क्या हुआ? वो आप देखे वहाँ नाचनिया नहीं थे, वो गई थी हेमा मालिनी। ना, अरे आपकी सभा का बता रहा हूँ भाई, मुझे पता है हेमा मालिनी किस पार्टी में है। नहीं अरे भैया, हमारी पार्टी में उस समय बीजेपी से समझौता था। अरे विधानसभा चुनाव की बात कर रहा हूँ अभी, कहाँ समझौता था आपका बीजेपी से? आप भी भाई कहाँ रहते हैं, आप कैसे नेता है पार्टी के? नहीं, इस विधानसभा, अरे इसी की बात कर रहा हूँ, इसी की बात कर रहा हूँ मैं News 24 पर बैठा था, मैंने उस पर बोला था। देखिए आप नाराज हो, हमारे यहाँ हमारी रैली रागनी के अलावा कोई, अरे भाई नहीं, हाथ कंगन को आरसी क्या, आप प्रमाण को झुकला, आपको तो यही याद नहीं, आप कह रहे बीजेपी से गठबंधन था, तो आपको ये कैसे याद होगा किसने क्या कौन सी जवानी के गाने पे नाचा? हमारा दो उसके ना चौहान साहब गलत बात नहीं, चौहान साहब शामली की एक तस्वीर मैंने आपको दिखाई। नहीं शामली में मैं तो आपसे कह रहा हूँ, मैं तो गया था उस मंच पर भाई साहब, लेकिन ये रागनी नहीं है, रागनी मैं भी पहचानता हूँ। नहीं, ये हाथरस वाली तो रागनी नहीं है। अरे मैं हाथरस नहीं, जो तस्वीरें अभी दिखा रहा हूँ, जरा आप हैदर साहब एक मिनट रुक जाइए, बहुत टाइम है, आप आज चर्चा हो जाए ठीक से। चौहान साहब ये जो अभी ये गुलाबी परिधान पहने ये जो नृत्यांगना जो अपने जौहर पराक्रम दिखा रही है, कला का सांस्कृतिक मुजाहरा कर रही हैं, ये शामली की तस्वीरें मैं दिखा रहा हूं आपको, ये रागनी नहीं है।
आप एक चीज और देख लीजिए कि उस सभा में जब चौधरी साहब पहुंचे हैं तो भाषण हो रहा है। अरे भाई साहब आप तो गजब बात कह रहे हैं, तो ये मैंने नचा दिया क्या? हाथरस में भी भाषण हुआ, पहले सिगड़ी पे दिल सेका गया, जब दिल रोस्ट हो गया तो उसके बाद भाषण हुआ। और उसके और सुनिए, अरे मुन्ना सिंह जी रुकिए एक सेकंड रुकिए, हैदर साहब आपका भी आपको भी थोड़ा आईना दिखा दूं, नहीं आप सब पर हंसते रहेंगे। राशिद अलवी थे सभा में, आप पश्चिम की बात बता रहा हूँ, आपकी पार्टी के एक नेता थे, एक फिल्मी अभिनेत्री गई कांग्रेस की ओर से हायर की गई थी प्रचार के लिए, उसका राजनीति से बेचारी का कोई वास्ता नहीं, लेकिन देखने में सुंदर थी तो आप लोग उसको हायर कर लिए कि चलो गांव गांव घूमो। वो आई तो आपका प्रत्याशी राशिद अलवी के सामने उस पर इतना मुग्ध हो गया, इतना मुग्ध हो गया, माइक पर मुग्ध हो गया, उसके शरीर की तारीफ करने लगा माइक पर, अंत में उसको लेडी को अभिनेत्री को बोलना पड़ा यू ब्लडी नॉनसेंस, उसके बाद हंगामा हो गया, तब राशिद अलवी को बीच बिछाव करना पड़ा। ऐसे 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 संत आपने चुनाव में उतार दिए थे। नहीं नहीं, उसको एक्शन दिया गया, उसके खिलाफ कहा गया, वो कंडेम किया था कांग्रेस से। कंडेम क्या एक्शन हुआ? कोई एक्शन नहीं हुआ, कंडेम तो इसलिए हुआ कि हम लोगों ने राशिद अलवी के मुंह में माइक लगा दिया, तो कंडेम नहीं करते तो क्या करते? तारीफ करते क्या? क्या कर सकते थे? विकल्प क्या था? नहीं मुझे विकल्प बताइए, राशिद अलवी क्या कर सकते? एक जमाने में नहीं, नेताओं में एक्सेप्शन होता था, काम करते थे, पब्लिक उनकी तरफ तो होती थी। अब ये होता है कि पब्लिक को जमाने के लिए बहुत से छोटे नेता करने लगे हैं। अरे छोटा नेता नहीं, वो प्रत्याशी था भाई, वो ये कह रहा था हम राहुल जी का विजन लागू करेंगे, ये राहुल जी का विजन लागू करने वाला सिपाही था, कंडेम कर दिया था उसको, कंडेम किया था भाई, तो कंडेम मुलायम सिंह भी कर देंगे और कंडेम अजीत सिंह भी कर देंगे और नचनिया नाचती रहेंगी। कंडेम करने में क्या जाता है? वाणी तो अपनी है, बोल दो, मैं निंदा करता हूं। रोजगार दे रहे हैं लोग नचनियों को, है भाई साहब? बहुत से फिल्म इंडस्ट्री से आ गए हैं तो उनकी कुछ आदत पड़ गई तो कैसे एकदम से छोड़ देंगे? अरे फिल्म इंडस्ट्री नहीं, खेत गांव का उम्मीदवार भाई, वो फिदा हो गया। चलिए लड़की पर, चलिए चलिए चलिए, मुझे लगता, मुझे पता आप दोनों नहीं मानेंगे, चलिए आप लोग विजुअल का मजा लीजिए और हम लोग कंडेम करेंगे, आप लोग तस्वीरों का मजा लीजिए, चुकी आदत हो गई है। मुजफ्फरनगर में सुनिए सुनिए सुनिए, मुजफ्फरनगर के शामली के जिला पंचायत अध्यक्ष मनीष चौहान की अभिनंदन रैली का पुहर डांस भी आपके सामने इरादे किया। चौहान साहब जी, ये जो आप कह रहे हैं इसमें हमारी पार्टी के जिला पंचायत सदस्य शेर सिंह जी थे, उनको चौधरी साहब ने पार्टी से उसी दिन निकलवा दिया था। अच्छा एक मिनट रुकिएगा अमिताभ जी, वो कागज जरा आपके हाथ, उसको पढ़ के दिखाई दो, क्या कौन कौन थे उसमें? ऐसी बात मत बताइए, मेरे पास एक खबर है, पढ़ के सुनाता हूँ। अरे सुनिए ना भाई, मुन्ना सिंह जी चरण सिंह कहा करते थे देश की तरक्की का रास्ता किसान और गांव से होके जाता है, आज राल एलडी कह रही है तरक्की का रास्ता बारवाला के ठुमकों से होके जाएगा, ये चेहरा है, ये राजनीति है, राष्ट्रीय लोक दल और तर्क और कुतर्क। सुन लीजिए भाई साहब, सुन लीजिए,
जनपद मुजफ्फरनगर के खतौली क्षेत्र के विधायक करतार सिंह भड़ाना ने भीड़ को रोकने के लिए महिला डांसरों का सहारा लिया। रैली में उस समय भगदड़ मच गई जब महिला डांसर अश्लील डांस करने लगी, तो रैली में आए युवाओं की भीड़ मंच की ओर बढ़ चली और पुलिस ने लाठी चार्ज किया। यही नहीं, रालोद सुप्रीमो व केंद्रीय उड्डयन मंत्री अजीत सिंह को दिखाने के लिए, अधिक भीड़ दिखाने के लिए ये भीड़ बारवालाएं जुटाई गई थी। ये खबर क्या है बताइए? ये विकास का रास्ता है? ये चरण सिंह की पार्टी है? मैं उस ये चरण सिंह की पार्टी है? अरे मेरी बात तो सुन ले माई बाप, मैं उस सभा में गया था, वहाँ हुकुम सिंह के कुछ लड़के थे जो रैली को डिस्टर्ब करते कर रहे थे नाच के लिए और रागनी के लिए, कुछ नहीं हुआ था। अरे भाई साहब, बार वाला नचाओगे तो लड़के तो बेबस हो जाएंगे। वो लड़के हुकुम सिंह के थे नहीं, वो लाठी चार्ज तो हुआ ही नहीं। कल्याण सिंह के या मुलायम सिंह के, इससे क्या फर्क पड़ता है? नहीं हुई ना कोई वही बाला थी ना वहाँ लाठी चार्ज हुआ। और चौधरी साहब कहते थे इस मुल्क की तरक्की का रास्ता देश के खेतों और खलिहान से होके जाता है, और आप लोग देश का आप लोग कह रहे हो सामने चल रहा है, सामने चल रहा है मुन्ना सिंह, सामने चल रहा है। अब आप कह रहे हो इस देश की तरक्की का रास्ता बार बालाओं के ठुमकों के बीच से होके जाता है। आपने आपने चरण सिंह को यहाँ लाके खड़ा कर दिया। हमारी पार्टी का कोई विश्वास नहीं है। आपने चरण सिंह को यहाँ लाके खड़ा कर दिया, जो आदमी इस देश के 8 राज्यों का नेता था, जिसके दरबार में बीजू पटनायक, कर्पूरी ठाकुर, देवीलाल जैसे लोग बैठते थे, कुंभाराम आर्य, उसको 2 जिलों का नेता बना के छोड़ दिया आपने उसकी विरासत। चौधरी साहब किया, आप याद करो जनता दल में चौधरी साहब कितने राज्यों के नेता थे, ये तो साइकिल का चक्र है। जब बार बालाओं पर चले गए, आज जो लोग भाषण करते थे कि परिवारवाद के खिलाफ आधा घंटा भाषण करते थे, उनके परिवारों में एक एक दर्जन लोग जो है वो एमपी एमएलए और लाल बत्तियों के लिए लाइन लगाए हैं। तो जब इस तरह की नैतिकता घटी, राजनीति बदली, तो चौधरी साहब कमजोर हुए, लेकिन आने वाले दिनों में फिर उसी का दौर आने वाला है। हाँ, ये मैं समझ गया, आपकी तरक्की का रास्ता बार बालाओं के द्वार से खुलेगा, मैं समझ गया। आपकी आपका दर्शन मैं समझ गया, आपका दर्शन मैं समझ गया। आज आज वो लोग होते जो चरण सिंह के साथ रहे, ये चरण सिंह होते तो उनकी आत्मा तृप्त हो जाती मुन्ना सिंह चौहान को सुन के। नहीं, हमारी पार्टी का आज भी है सिद्धांत गांव खेत खलिहान। हम नृत्य को हम देख रहे हैं ना, कला है, हम देख रहे हैं कला का प्रदर्शन। अरे भगवान, इसी कला का प्रदर्शन तो रामजीलाल सुमन कर रहे थे। कोई आयोजन नहीं होता, रामजीलाल तो स्वयं मंच पर जाकर के ठुमके लगा रहे हैं हाथ पकड़ करके, और रामली में जो हुआ भी होगा तो रागनी हो रही थी, और वो भी चौधरी साहब के जाने पर ना, ना कोई आप करो तो लीला, आप करो तो लीला है, आगे मैं नहीं बोलूंगा, आप करो तो लीला है, ये नहीं चलेगा। एक सलमान की फिल्म आई थी, उसमें गाना भी था करेक्टर ढीला, मैं करूं तो क्या करेक्टर ढीला, ये नहीं, डबल स्टैंडर्ड नहीं चलेंगे। बार बाला राजनीति में निषिद्ध है, तो हैदर साहब की पार्टी में भी निषिद्ध है, दिनेश शर्मा की पार्टी में भी निषिद्ध है, अजीत सिंह की पार्टी में भी निषिद्ध है, मुलायम सिंह की पार्टी में भी निषिद्ध। ये क्या घालमेल है भाई, ये राजनीतिक मंच है। लोहिया जी के साथ 1966 में मैं जेल रहा हूँ, तिहाड़ जेल में 1 महीना। हाँ। और साहब आदर्शवादी थे वो, लेकिन क्या समाजवादी पार्टी उसी लाइन पे चल रही है? आज तो वहां ठुमके लग रहे हैं, क्या उनकी रूह खुश हो रही होगी? क्या समाजवादी वही बताया था उन्होंने, वही समाजवाद रहते थे लोहिया जी? आज उनके परिवार में पूरे पार्टी 12-14 लोग एमपी एमएलए पूरे खानदान में परिवारवाद है। ये तो मुलायम से वो तो क्या नाम है लोहिया जी नहीं चाहते थे, वो चीज के खिलाफ थे सब। हैदर साहब मैं वही कह रहा हूँ, जो पटेल चाहते थे, जो सुभाष चाहते थे, जो गांधी चाहते थे, वो कांग्रेस ने नहीं किया। जो लोहिया चाहते थे, नरेंद्र देव चाहते थे, जयप्रकाश चाहते थे, वो सपा ने नहीं किया। जो चरण सिंह का दर्शन था, जो चरण सिंह ने किताब लिखी, जो चरण सिंह जीवन भर बोले, वो काम अजीत सिंह ने नहीं किया। ये गंगा में घर की पौड़ी पे मिसाल दिए, कहाँ है? अरे किस किस को याद कीजिए, किस किस को रोइए। देखिए चौधरी साहब ईमानदार व्यक्ति थे, जब आज नेताओं के ऊपर सीबीआई जांच हो रही है, ऐसे अधिक संपत्ति का मुकदमे चल रहे हैं, तो अकेले चौधरी साहब पाक साफ नेता हैं। तो हमारी पार्टी आज भी चौधरी साहब के सिद्धांतों पर चल रही है,
और हमारे विश्वास आज गांव किसान खेत गरीब में है। अच्छा और भाषण है। रागिनी के अलावा अच्छा कोई भाषण है हमारे यहाँ अच्छा भाषण अच्छा है मुन्ना सिंह जी यही बात तो कांग्रेस भी कहती है कि हमारा हमारा भ्रष्टाचार से कोई लेना देना नहीं हम सदाचार में चल रहे हैं लेकिन जब मैं गांधी को कोर्ट